स्टूडेंट्स, मैं मिट्टी यादव, स्टडी हाउस इटावा चैनल, ये हमारा चैनल है, इसे देखें और सब्सक्राइब करें। कल हम जो पाठ चला रहे थे प्रकाश का परावर्तन, उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए तो उन्हें हम आज कंप्लीट करेंगे। जैसे उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, सबसे पहले आज हम बता रहे समतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये क्या होता है। सबसे पहले ये जाने के दर्पण क्या होता है। दर्पण जानते हैं कि शीशा, जैसे कांच को हम दर्पण बोलते हैं, तो दर्पण का क्या रूप होता है कि जो हमें आकृति, हमें चित्र दिखाने में, हमारी आकृति अच्छा दिखाने में सहायक होता है। तो इसे हम जानेंगे क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है। सबसे पहले इसकी हेडिंग्स चेक करेंगे, हम समतल दर्पण को जानेंगे। समतल दर्पण क्या होता है, जिसका जो दर्पण जो समान, बिल्कुल समान हो, जिसकी मतलब जो एरिया जो और बिल्कुल क्लियर हो, ना उसमें कोई रेक्ट को, ना उसमें कोई घुमाव हो, ना उसमें कोई लिप्टेंस हो, तो मतलब सीधी सीधी रेज क्या उस पर किरण पड़ेगी और वापस लौट जाएगी, तो ये समतल दर्पण कहलाता है। इसमें कुछ रीजन्स होता है। इसमें जो हमने कलई की है, ये पदार्थ में ये मतलब जो एरिया है कलई वाली, क्या होता है कि कलई वाला जो तल होता है और जो परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल क्या मतलब होता है, जो हमने ये डॉट डॉट थोड़ा ये स्पेस छोड़ा है, इससे परावर्तक तल और कलई वाले तल को ये हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। तो हम इससे क्या, हम यहाँ से हम लाइट डालेंगे तो हमें यहाँ से प्रकाश का परावर्तन देखने को मिलता है। आगे चलेंगे अवतल दर्पण, ये इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में अधिकांश ये पूछे जाते हैं, इसे जानेंगे क्या होता है। अवतल दर्पण का क्या होता है, जो इसका परावर्तन आंतरिक होता है, परावर्तन का मतलब होता है इसका, ये जो प्रकाश का परावर्तन हम देखने को देखते हैं, ये अंदर की ओर मिलेगा, अंदर की ओर। और क्या रीजन को होता है, इसका जो परावर्तक तल होता है वो अंदर की होता है, परावर्तन अंदर की तरफ चलता है। रीजन क्या होता है, जो कलई वाला भाग होता है वो उभरे हुए तल को होता है, इसे हम क्या बोलें, अवतल दर्पण। सिंपल भाषा में होता है कि अगर अवतल दर्पण कोई डेफिनेशन पूछता है तो कह देना कि कलई वाला भाग बाहर की ओर होता है और परावर्तन जो होता है वो अंदर की ओर होता है। इसे हम जाने उसके बाद क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तुमने देखा होगा, हमारे जो कांच होते हैं या हम कोई काम करते हैं उसमें हम इनका यूजेज करते हैं। उसके बाद आ जाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक तल और ये परावर्तन बाहर। अब रीजन क्या होता है, इसमें हम देखते हैं अवतल दर्पण, अभी हम चेक करके गए थे कि अवतल दर्पण में जो परावर्तन अंदर की ओर हो रहा था, यहाँ पर उत्तल दर्पण में बाहर की ओर हो रहा है और ये परावर्तक तल होता है। अब कले वाला भाग बाहर की ओर होगा और परावर्तन बाहर की ओर होगा। अब रीजन क्या होता है, देखो उत्तल दर्पण की अगर कोई परिभाषा पूछे तो क्या बताएंगे, जो कले वाला भाग होता है वो अंदर की सतह होता है और परावर्तक तल होता है वो बाहर की ओर होता है, जो परावर्तन होता है वो बाहर की सतह होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। अब रीजन क्या होता है, इसमें कुछ कंडीशंस होती है जानने के लिए देख लो कि अवतल और उत्तल दर्पण हम लोग अभी बताएंगे ये कहाँ का यूज होते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं। क्लोज करो तो ये फिगर है जो हमने चित्र बनाया है, इसमें क्या होता है, जैसे गोली जो दर्पण दिए जाते हैं उनमें कुछ परिभाषाएँ हैं, उनके कुछ नए नए बिंदु हैं, तो उनमें देखना आप। इसमें दर्पण का ध्रुव पूछ रहा है, जैसे दर्पण का ध्रुव, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, दर्पण का ध्रुव, ये देखो ये सेंटर ध्रुव होता है ये, और ये, तो ये दर्पण का ध्रुव जो होता है, को ध्रुव और ये मेन पॉइंट जो अवलंब यहाँ बना है कोण, इसके दोनों मध्य बिंदु को जो रीजन यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, यहाँ जो पॉइंट्स बने हुए हैं हम क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव क्या होता है, जैसे ये दोनों दर्पण आपस में जिस पॉइंट से मिल रहे हैं, ये पॉइंट से मिल रहे थे, दर्पण का हमारा ध्रुव कहलाता है। जैसे उसमें अब नेक्स्ट दे रहा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र हम सभी जानते हैं कि हमारा जब दर्पण, ये देखो अवतल है ये उत्तल है, तो इसमें जो हमारा जहाँ से अवलंब डाला गया है ये वक्रता केंद्र कहलाता है। और जैसे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में देखें तो ये हमारा वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। अब वक्रता केंद्र, जैसे अगर परिभाषा जाँचें, गोली दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र, मतलब ये दोनों कांच हैं, इनका जो केंद्र है, इन केंद्र को ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। अब जैसे यहाँ पे मतलब किरण रेज किरण पड़ रही है, तो जो दर्पण का जो केंद्र बन रहा है, जहाँ पर किरण पहुँच रही है वहाँ से वापस हो रही है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। अब देखो इसमें क्या कहलाते हैं कि वक्रता केंद्र जो होता है उसे हम शीशे निरूपित करते हैं, तो यहाँ भी शीशे। और अब नेक्स्ट है जो वक्रता त्रिज्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। अब वक्रता त्रिज्या क्या होगा, गोली दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या का दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब जैसे गोली दर्पण में है ये जो हमारा ये मिड पॉइंट है, यहाँ भी एक सेंटर है, ये वक्रता केंद्र है। अब रीजन क्या होता है, वक्रता केंद्र और जो हमारा दर्पण होता है उस तक के बीच की जो दूरी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। उसी तरीके से हम उत्तल दर्पण में देखेंगे जो हमारी त्रिज्या होती है, जिस सेंटर से यहाँ पर ही अब हमने अवलंब डाला और ये पॉइंट तक बीच की जो दूरी है इसे हम क्या बोले, वक्रता त्रिज्या। अब नेक्स्ट पॉइंट जैसे मुख्य अक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य अक्ष हमारा क्या होता है,
मुख्य अक्ष दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। याद रखो हमेशा, जब भी हमको यहाँ से अगर हम लाइट किसी दर्पण पर डाल रहे हैं तो हमारा जो मुख्य अक्ष, ये मतलब जो पॉइंट होता है वक्रता केंद्र, और बाहर का जो मिड पॉइंट होता है, हम यहाँ से जब कोई किरण या सूर्य की किरण या कोई लैंप की किरण हम डाल रहे हैं इस कांच पर, तो जो पॉइंट होता है इन दोनों को बीच की जो पॉइंट्स होता है, जो यहाँ पे रेडिएशन टकरा रही है किरण, वो वापस लौट रही है, उसे हम क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष। मतलब जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ अपना कोई दर्पण या कोई दर्पण को जिस तरह रखे हैं, या सूर्य की कोई किरण हम यहाँ से दर्पण पर डाल रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। अब दर्पण का द्वारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वारक क्या कहते हैं। अब देखो ये दोनों ध्रुव, ये अब रीजन क्या होता है, हमारा ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये मिड पॉइंट जो है बीच का, ये दोनों आपस में पी पी पर दोनों मिल रहे हैं, इसे हम पी से निरूपित करते हैं। ये पी ध्रुव है, ये दोनों मिल रहे हैं, इन ध्रुव को, इन दोनों के बीच का जो परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल क्या होता है, देखो जो हमारा कलई किया हुआ भाग है वो हमारा परावर्तक तल कहलाता है। इसमें हमने ये कलई किया है यहाँ पर, ये तो इन दोनों के व्यास को, मतलब इन दोनों की जो डायमीटर होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। उसमें नेक्स्ट है फोकस तथा मुख्य फोकस। अब जैसे इसमें डेफिनेशन दे रहा है, फोकस मुख्य फोकस गोली दर्पण का मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण या दर्पण के परावर्तन मुख्य अक्ष बिंदु वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब ये कह रहा है जब हमें सूर्य की कोई किरण इस दर्पण पर डालेंगे तो जो हमें किरण महसूस हो रही है, जो हमें पता चल रहा है कि यहाँ किरण आ रही है, तो वो हम क्या कहलाते हैं, फोकस है, मुख्य फोकस। आप जनरली अपनी भाषा में जान ले कहते नहीं, जनरली अगर कोई हिमांश बात करने लगते बोलते हैं कि हमारे इस टॉपिक से फोकस करो। फोकस का क्या अर्थ होता है, जिससे जहाँ से हम किसी पर फोकस डाल रहे हैं तो वहाँ से हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट इसमें दिया गया है मुख्य फोकस। अब फोकस तल क्या होता है कि फोकस बिंदु से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत। फोकस बिंदु, हमारा जो फोकस बिंदु होता है ये मुख्य अक्ष है, इससे जाने वाली जो हमारी रेज होती है वो हमारा क्या कहलाता है, फोकस तल। अब देखो रेज यहाँ से जा रही है, इस तल से होते हुए यहाँ टकराएगी, अब यहाँ से देखो मुख्य अक्ष से टकराते हुए यहाँ यहाँ आएगी, तो ये हमारा क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। उसका फोकस दूरी, ये अच्छा है, ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है फोकस दूरी किसे कहते हैं, ये भी बताएंगे। इसमें लगे गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी, गोली दर्पण ये दर्पण है पूरा, और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब जैसे कि फोकस दूरी कभी बताएंगे क्या फॉर्मूला होता है, अब जैसे फोकस दूरी एफ बराबर आर बाई टू, ये हमेशा याद रखना, जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। ये हमारे ये मिड पॉइंट कुछ पॉइंट्स हो गए। अब जैसे क्वेश्चंस उसमें कुछ होते हैं वो भी हम कराएंगे। स्टॉप करने का दो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इनके हम उपयोग जानेंगे, क्या क्या उपयोग, हम कैसे उपयोग करते हैं। तो इसमें जनरली उपयोग में हम क्या देखते हैं, अब जैसे अवतल दर्पण का उपयोग हम क्या करेंगे, बड़ी फोकस दूरी तो बड़े द्वारक अवतल दर्पण, जैसे हम अपने क्या होता है, तो आपने सभी ने देखा होगा जो हमारे घरों में कांच लगा होता है, जो घरों में कांच होता है जिससे हम अपने मतलब माँ और जो हम लोग जनरली जेंट्स लोग होते हैं डाडी बनाते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे अवतल दर्पण का क्या होता है कि जब हम उस समय में अपनी इमेज देखना चाहते हो तो हमारी इमेज सबसे पहले क्लियर दिखाएगा और बड़ी में दिखाता है, तो ये इस तरीके यूज करते हैं। उसके बाद देखा होगा आपने डॉक्टर प्रकाश की किरण छोटे अवतल दर्पण से, अब डॉक्टर जो होते हैं वो उनके पास जो दर्पण होता है देखा होगा, वो शीशा जो होता है वो हमेशा अवतल ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें जो जर्म्स या कोई बैक्टीरियाज या कुछ देखने के लिए होते हैं तो वो हमेशा जैसे दांत में है, नाक है, कुछ और कोई बॉडी में अंदर कोई घाव है, तो वहाँ पर जर्म्स को चेक करने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट दे रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजन और स्टीमरों और सर्च लाइट लैंपों परावर्तक के रूप में होता है। कैसे होता है, मुख्य फोकस पर होता है। आपने देखा होगा हमारे जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो दर्पण लगा होता है, याद रखना जब भी हम लोग जब गाड़ी में अंदर बैठ जाते हैं, जो हमारा कांच होता है वो हमेशा अवतल होता है, क्योंकि हमें बाहर की चीज़ क्लियर दिखाएगा और बड़ा दिखाता है। और कह रहा है कि पश्चात समांतर किरण पुंज रूप में आगे बढ़ता है, और ये अवतल दर्पण की खासियत होती है, बहुत अच्छी विशेषता होती है कि ये हमेशा जब भी किरण डालेगा, जहाँ भी हम लोग देखेंगे, सटीक और सही किरण डालेगा। जिस तरीके से जब सूर्य की कोई किरण किसी दर्पण पर पड़ती है तो सटीक माध्यम में जाती है, बिल्कुल सरल माध्यम, उसी तरीके से अवतल दर्पण की जो किरण हम लोग जो देखते हैं वो हमेशा सटीक और सरल माध्यम में पहुँचती है। इसी तरीके से अवतल दर्पण के उपयोग देखेंगे, क्या उपयोग होते हैं इसके। अवतल दर्पण का उपयोग बहुत सिंपल है,
अब जैसे उत्तल दर्पण का उपयोग हम क्या क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा उत्तल दर्पण अपसारी होता है, बाजारों व गलियों के लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण परावर्तित होकर अपसारी से फैलता है, किरणपुंज सरकारी बड़े क्षेत्र प्रकाशित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमें, आपने देखा होगा हम बड़े कहीं शहरों में जा रहे हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो हमारी जो स्ट्रीट लाइटें लगी होती हैं इनका ये रीज़न होता है कि ये उत्तल दर्पण जहाँ भी लगा दिया जाएगा तो ये हमेशा प्रकाश को बहुत विशाल मात्रा में फैला देता है। तो ये उत्तल दर्पण हमेशा अपनी बड़े वाहन की जो बड़े वाहन फोर व्हीलर हैं उनमें गाड़ियों में जो हमारी लाइट लगी होती है वो उत्तल दर्पण की होती है। अब जैसे हम बड़े हाईवे पर चले जाएँ कि बड़े रास्ते में जाते हैं तो वहाँ पे जो लाइटें लगी होती हैं उसमें भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट दे रहा, जैसे ट्रकों बसों मोटर कारों और ड्राइवर की सीट्स के पास उत्तल दर्पण ही लगा रहता है, ड्राइवर के पीछे की अधिक क्षेत्र आने वाली वस्तु देख सकता है, ड्राइवर अपने पीछे आने वाले वाहन को सीधा छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसमें एक रीज़न होता है, ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है, ये हमेशा इनमें अगर डिफरेंस चाहते हो तो ये हमेशा बड़ा दिखाई देगा, ये छोटा दिखाई देता है। जब हम कोई वाहन चला रहे हैं तो हमारे जो कांच लगे होते हैं जो गाड़ियों में, तो पीछे को जो हमारा दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण का होता है, क्योंकि वो वाहनों को सटीक और छोटे रूप में दिखाई दे सकता है। उसके बाद दर्पणों की पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान से आप समझ ही रहे हैं कि हम स्पर्श करके पहचान कर सकते हैं। अब जैसे उत्तल दर्पण को हम पहचान कैसे करेंगे, उत्तल दर्पण की पहचान सबसे है क्योंकि ये कांच हमेशा छोटी इमेज दिखाई देगा और ये स्पर्श दिखाई देने के साथ साथ छोटा और प्लस ये हमारी दूर की वस्तुओं को भी दिखाने में प्रयोग करता है, और ये हमेशा प्रकाश अगर इस पर कोई डाला जा रहा है, प्रकाश इसके माध्यम से कोई निकाला जा रहा है तो ये बड़ी इमेज में निकालता है। उत्तल दर्पण हालांकि कार्य अच्छा करता है कि ये भी बड़े रूप में दिखाई देता है, पर ये हम लोग टॉर्च में है जैसे इनमें हम प्रयोग नहीं कर सकते। इसके फार्मूला जो है कुछ क्वेश्चन से एक फार्मूला बचा हुआ है, हम अगली क्लास में करेंगे, तो आप सभी लोग इसे देखें अच्छे तरीके से और जनरली देखने के बाद इसे एक बार सब्सक्राइब करने की कोशिश करें।